प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के को नए तरीके से आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ, इंटरेस्टेड वे में, थोड़ा सा आनंद लेते हुए क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लेंगे और जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मिला भी सकते हैं। अपना पॉइंट्स देखते जाएंगे, एक क्वेश्चन सही हुआ तो उस क्वेश्चन का कितने मार्क्स हुए, कितने पॉइंट्स मिला, वो आप लोग अपने ऐड करते जाएंगे और हर क्वेश्चन नंबर के साथ उसके ऑप्शन को आप लोग देंगे, कमेंट में लिखते जाएंगे, लास्ट में जो सबसे टॉपर बनेगा, जैसा कि इसका नाम है, कौन बनेगा टॉपर, फर्स्ट रैंक कौन आता है, सेकंड रैंक कौन आता है, जल्दी से आंसर देना है। वैसे भी हम हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का ही समय देंगे, उस 5 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर देना है, लेकिन उससे भी पहले अगर आप दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो हम शुरू करते हैं, ध्यान रहे कमेंट में आप लोग हर क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन ए बी सी जो भी ऑप्शन है उसका क्वेश्चन नंबर के साथ डालना है, साथ में पॉइंट्स भी उसमें प्लस करते जाएंगे आप लोग अगर सही है तो आंसर देने के बाद। तो इंटरेस्टेड वे में और चैटिंग आप लोग कर लिखते जाएंगे, हम लाइव में देखते जाएंगे आपका। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पाठ में दूर क्या नहीं है, घोंसला, बी बच्चे, सी कभी का घर और डी मंजिल, इसमें कौन सा नहीं है। अब आपका समय शुरू होता है, अब इस 5 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर देना है और हुआ समय समाप्त, आंसर मंजिल। तो इसका 500 पॉइंट आप लोगों को मिल गया जिसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया की गति की तेज़ी का क्या कारण है, बच्चों से मिलना है, घर को लौटना है, भूख से व्याकुलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग, समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्त, करेक्ट आंसर है बच्चों से मिलना। पॉइंट्स आप लोग जोड़ते जाएंगे, ये 1000 पॉइंट्स का था। तो इंटरेस्टेड वे में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं आप लोग सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है उसके लिए ये आपके स्क्रीन पर रहा। अगला क्वेश्चन, 1000 पॉइंट्स आप लोग जीत चुके हैं, अब 2000 के लिए, 2000 पॉइंट्स के लिए ये क्वेश्चन रहा। भक्तिन की सेवा भाव थी, किसकी तरह, भरत की तरह, यहाँ भारत लिखा है भरत की तरह, हनुमान की तरह, सीता की तरह या लक्ष्मण की तरह। भरत, हनुमान, सीता, लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। समय समाप्त, आंसर है हनुमान की तरह, भक्तिन हनुमान की तरह थी, महादेव वर्मा की सेवा में तत्पर रहती थी, जिस तरह से हनुमान जी भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते थे ठीक उसी तरह से। ये सारे प्रश्न क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, खेल की तरह, खेल खेल में आप लोग आंसर देते जाइए और अपने पॉइंट्स को बढ़ाते जाइए। अब देखिए 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया, अब अगला आपके सामने आएगा 3000 के लिए। 2000 तो आप लोग जीत चुके हैं पॉइंट्स, 3000 के लिए प्रश्न रहा ये अगला। भक्तिन को ले जाने कौन आए थे, जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो संकट को देखते हुए भक्तिन के परिवार से कुछ सदस्य आए थे उनको ले जाने के लिए इलाहाबाद से, तो कौन उसमें आया था। बेटी आई थी, दामाद आए थे, बेटी दामाद दोनों आया था या बेटा आया था। आपका समय शुरू होता है अब, ध्यान से जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बेटी और दामाद दोनों गए थे भक्तिन को लाने, गुड। पॉइंट्स ऐड कीजिए आप लोग, 3000 पॉइंट्स का था ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन 5000 पॉइंट्स के लिए है आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से अलर्ट हो जाए। खेल खेल में प्रश्नों को याद करते चले जाएंगे,
जो बोर्ड की एग्ज़ाम में आने वाली जो 2022 में क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीच में भी हाफ ईयरली विद्यालय की और भी जो भी परीक्षाएं होगी उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगला 5000 के लिए पॉइंट्स के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। जब भक्तिन का पति मरा तब भक्तिन की उम्र कितनी थी? कितने उम्र में भक्तिन का पति मर चुका था? ए 32, बी 30, सी 28 और डी 29। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। समय समाप्त। सही आंसर है 29। 29 वर्ष की जब भक्तिन थी तभी उसके पति का देहांत हो गया। तीन तीन लड़कियां, एक लड़की का विवाह तो पति कर चुका था पर दो लड़कियों की जिम्मेदारी भक्तिन पर थी। मात्र 29 वर्ष की थी जब पति का देहांत हो गया था। अब ये पॉइंट्स अब आप लोग ऐड कर लेंगे, 5000 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन था। अब 5000 के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, 7000 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। तो उसके लिए रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, आंसर मिलाते चलें आप लोग। भक्तिन का असली नाम क्या था? भक्तिन, लक्ष्मीन, सन्यासीन या इनमें से कोई नहीं? समय शुरू होता है आपका अब, ये समय समाप्त। सही आंसर है लक्ष्मीन। लक्ष्मीन का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो धन की देवी होती है। इसीलिए भक्तिन जब आई महादेव वर्मा के पास तो अपने कथा बताने के साथ साथ, इतिवृत्तात्म लिखा हुआ है उसमें, इतिवृत्त बताने के साथ अपनी कथा को, अपनी कहानी को अपने बारे में बताने के बाद साथ साथ उसने बता दिया था कि मेरा असली नाम भक्तिन लक्ष्मीन है, लेकिन इस नाम से आप मुझे नहीं पुकारिएगा, इसको छोड़ के कोई भी नाम आप से मुझे पुकार सकती हैं। तो महादेव वर्मा ने भक्तिन नाम रखा, चूँकि गले में कंठी पहनी हुई थी तुलसी की माला, तो उसको देख करके महादेव वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था, जबकि उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, लक्ष्मी। अब इसके लिए 7000 पॉइंट्स था, आप लोग पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10000 पॉइंट्स के लिए। 7000 आप लोगों ने गेन कर लिया है। अगला पॉइंट्स के लिए प्रश्न रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 7। भक्तिन पाठ किस शैली में लिखा गया है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। भक्तिन पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है? संस्मरणात्मक रेखाचित्र या कहानी या गद्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, अभी आपका समय समाप्त नहीं हुआ है, अब समय समाप्त हुआ, सही आंसर है इसका संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ये 10000 पॉइंट्स का था। पॉइंट्स आप लोग बढ़ाते जाएं अपना अपना, लास्ट में देखा जाएगा कौन टॉपर बनता है, कौन फर्स्ट आता है। जल्दी से आंसर देना है, जो पहले जिसका आया रहेगा आंसर उसी को, अगर सबका सही है, सारे क्वेश्चन सही है किसी का, दो लोग चार लोगों का, तो जो सबसे पहले दिया होगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड, समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 20000 का होगा, स्क्रीन पर ये रहा। आत्मपरिचय कविता बच्चन जी की किस पुस्तक से लिया गया है? आत्मपरिचय बच्चन जी की किस पुस्तक से? मिलन यामिनी, अतंग संगीत, अकांत संगीत, निशा निमंत्रण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी आंसर दीजिए फास्ट। सही आंसर है निशा निमंत्रण, उनकी पुस्तक है निशा निमंत्रण, उसी पुस्तक में संग्रहित है आत्मपरिचय कविता, वहाँ से लिया गया है CBSE बोर्ड की बुक में। तो ये 20000 पॉइंट था इसका, आप लोग ऐड कर लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आएगा, जो 30000 का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, मैं और जग और कहाँ का नाता? कह रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ये आगे की पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या यमक है? आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी आंसर दीजिए फास्ट। सही आंसर है इसका यमक। यमक अलंकार को मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। यमक का अर्थ होता है शब्द युग्म, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, दो बार आए, दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है।
यहाँ एक ही शब्द दो बार आए और अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार। तो यहाँ और आया है जिसका अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार है। ये 30,000 पॉइंट्स का था, आप लोग अपने में 30,000 ऐड कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर दसवां आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, जो 50,000 का होगा पॉइंट्स का। इसे करोड़पति का रुपया मत समझना, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये ध्यान रहे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर रहा, ये कवि के रुदन को लोग क्या कहते हैं। रुदन, रुदन का अर्थ होता है रोना। आपका समय शुरू होता है अब। कविता, गीत, दिखावा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गीत। कवि रो रहे हैं और लोग उसको कह रहे हैं कि गीत गा रहे हैं। ये 50,000 पॉइंट्स हो गया आपका। अब चलते हैं आगे, अगर सब सही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर रहा, ये आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा। अखबार जिसको न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी फास्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के ए बी सी डी जो भी हो, समय समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है अखबार, न्यूज़पेपर। ये समाज आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, जो ये चार स्क्रीन पर रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ये था 1,00,000 पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद आएगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, आनंद लेते हुए एकदम याद करिए, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, खेल खेल में पढ़ते जाना है। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। समाचार लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। A4, B5, C6 और D3। आपका समय शुरू होता है, जैसे समय समाप्त होगा आंसर आपको बता दिया जाएगा। सी, 6 ककार होते हैं समाचार लेखन के लिए, 6 ककार निर्धारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पॉइंट्स पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, 2,50,000 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 13, 5,00,000 पॉइंट्स इसके हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत में पहला छापखाना किस सन में खुला। प्रिंटिंग प्रेस, छापखाना को प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। A 1525, 1550, 1526, 1556। आपका समय शुरू होता है अब, फास्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेकर के ABCD लिखिए। एक समय समाप्त हो गया। सही आंसर है 1556, डी इसका सही विकल्प है। ये 5,00,000 पॉइंट्स आपके खाते में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो 1,000,000 पॉइंट्स होगा इसका, ये आपके स्क्रीन पर रहा, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से शुरू माना जाता है। सेकेंड फेज को देखना है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से माना जाता है, 1993, 2003, 2001 या इनमें से कोई नहीं, डी। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी क्वेश्चन नंबर 14 लिख करके ABCD आप लोग लिखें कमेंट में। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत आ रहा है पॉइंट्स। तो इसका सही आंसर है 2003, वेरी गुड। बहुत से लोग भेजते जा रहे हैं, अपना पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए चैटिंग में दिख रहा है, इसी तरह से आप लोग अपना सही आंसर फास्ट देते जाएंगे जैसा कि देते आ रहे हैं। अब ये पॉइंट्स आप लोग ऐड कर लीजिए अपने, 1,000,000 पॉइंट्स तक पहुंच गए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आएगा, 14 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर रहा, ये वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर कुछ लोग दे दे रहे हैं। समय शुरू हो तब दीजिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। तहलका.com,
rediff.com, इंडिया इंफोलाइन या सीफी, इन चारों में से आपका समय शुरू होता है जल्दी फास्ट। वेरी गुड, बहुत लोग दे दिए जी। तो इसका सही आंसर है tahalka.com। इसने वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत किया था सबसे पहले tahalka.com ने इंटरनेट पर। अब ये 2 मिलियन पॉइंट्स का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आएगा। 15 तक हो गया, 2 मिलियन पॉइंट्स बहुत से लोगों ने सही किया है। सारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, और 15 में इसका मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा था तो आप लोग ध्यान से पढ़े हैं। ये जो चैप्टर 3, एक पोएम का, एक गद्य का और अभिव्यक्तियों माध्यम से संबंधित जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन किया है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, जिनका एक आध गलत हो रहा है, वो लोग भी घबराए नहीं, वो यूट्यूब चैनल खोलें और वहाँ से अपना ये हर पेज पर लिखा ही है चैनल का नाम, खोल करके आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझे रहेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, रटेंगे तो कुछ दिन के बाद भूल भी जाएगा। तो रटना नहीं है, समझ करके करना है। अब आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। आपका समय शुरू होता है अब जल्दी। वेरी गुड, बहुत फास्ट दे रहे हैं आप लोग आंसर भाई। कितनी संतानें थी? सही आंसर है सी। तो 16 का सी जिसने लिखा होगा सही है, उसको 3 मिलियन पॉइंट्स हो गए। टॉप में बहुत लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका पॉइंट्स पहले हम लोग ऐड कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 आएगा आपके स्क्रीन पर। बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं बचे हुए क्वेश्चन, वैसे वैसे पॉइंट्स आप लोग ज़रा ध्यान से खेलें, आंसर दें, समझें, नहीं तो फिर बहुत लोग नीचे से ऊपर हो रहे हैं। कुछ आप ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर होता जा रहा है, किसी की गलती हो जाएगी तो नीचे चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। यशोधर बाबू को ड्रेसिंग गाउन उपहार में किसने दी थी? जब सिल्वर वेडिंग मनाया जा रहा था तो किसने दिया था? बेटी ने, मित्र ने, बेटे के बास ने या बेटे ने? आपका समय शुरू हो गया है, बस समाप्त होने वाला है, 5-5 सेकंड का समय है। तो सही आंसर है इसका बेटे ने। ड्रेसिंग गाउन, जो ड्रेसिंग गाउन था इनका बेटा भूषण, सिल्वर वेडिंग के अवसर पर इन्हें गिफ्ट के रूप में दिया था, और देते हुए ये कहा था कि जाकर अब इसे पहन करके आप जाड़े में दूध लेने जाइएगा, ठंडे का मौसम है, इस समय दूध लाने आप ये गाउन पहन करके जाइएगा। उस समय भी यशोधर बाबू दुखी हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, ये नहीं कह रहा है कि मैं ला दिया करूँगा दूध, कह रहा है कि ये पहन करके जाइए। तो परंपरा संभव इम्प्रॉपर उन्हें लगता रहता था। ज़्यादा हम लोग डिस्कशन अभी चैप्टर पर कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 4 मिलियन पॉइंट्स का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा ये काउंट कर लें, 4 मिलियन हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो 5 मिलियन का होगा ये आपके स्क्रीन पर रहा। विज्ञापन कंपनी में कौन काम करता था? गिरीश करता था, भूषण करता था, चड्ढा या इनमें से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। 4, 3, 2, 1, 0। सही आंसर है भूषण। कौन काम करता था? भूषण काम करता था विज्ञापन कंपनी में, जो यशोधर बाबू का बड़ा बेटा था। तो ये था 5 मिलियन पॉइंट्स का, काउंट कर लिया जाए पॉइंट्स को। अब इसके बाद 6 मिलियन है, उसके बाद 7 मिलियन। 6 मिलियन का क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 19 होगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। वेरी गुड, इसी तरह से देते जाइए आंसर आप लोग, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही हो रहा है। यशोधर बाबू के ऑफिस के चपरासी का क्या नाम था? यशोधर बाबू के ऑफिस में चपरासी का क्या नाम था? रामदास, ईश्वरदास, भगवानदास या कृष्णदास? आपका समय शुरू हो गया है। 3, 2, 1, 0। सही आंसर है भगवानदास। भगवानदास उनके ऑफिस में चपरासी था, जिसको
चड्ढा ने बुला करके और चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए कहा था। पढ़ेंगे तो आप लोग समझ मिल जाएगा, बाकी याद है, बहुत लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। अब ये 6 मिलियन पॉइंट्स हो चुका है आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। इसको बहुत ही सावधानी से देना जो लोग टॉप पोजीशन पर चल रहे हैं, वरना हेर फेर हो जाएगा, क्योंकि 7 मिलियन पॉइंट्स का है भी, और वैसे भी ये गलत हो जाएगा तो फिर फर्स्ट टॉपर होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। टॉपर में बनना है तो इसे और ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पर रहा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। अधीनस्थ कर्मचारियों ने यशोधर बाबू से पार्टी के रूप में मांगा, क्या क्या मांगा था? वो चाय मांगा था या मट्ठी या लड्डू या तीनों, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है ये 0। सही आंसर है उपरोक्त सभी, चाय मट्ठी और लड्डू। अरे बस इतनी तो चड्ढा बोल रहा है यशोधर बाबू को कि बस चाय मट्ठी और लड्डू इतना ही तो मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी तो मांग नहीं रहे हैं। ये उसने आग्रह किया था, तो इस तरह से बहुत बढ़िया आप लोगों ने दिया। अभी पॉइंट्स ऐड करके चैटिंग में दे दिया जाएगा कौन फर्स्ट सेकंड हुआ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, और खेल खेल में प्रश्न याद भी हो गए। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस के रूप में नया पैटर्न लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, इसी साल से 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में, हालांकि हुआ नहीं एग्ज़ाम, लेकिन 2022 में तो होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट्स, हम लोग ऐड कर लेते हैं। 7 मिलियन पहुंच गया, 20 क्वेश्चन, वेरी गुड। अब हुटर बच गया है, समय समाप्त हो गया, थैंक यू। किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ भी सकते हैं, किसी के आंसर में अगर डाउट हो तो। थैंक यू।